वेलकम टू माय चैनल सिविल फील्ड इंजीनियर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको टू लेन रोड को फोर लेन रोड कैसे बनाना है। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में जो आपको रोड दिख रहा है ये टू लेन रोड है। मुझे इसको वाइडनिंग करके चौड़ा कर इसको फोर लेन रोड बनाना है। लेकिन ये जो आपको रोड दिख रहा है इस रोड को मुझे कुछ नहीं करना है, कोई कटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। सिर्फ इसके ऊपर मुझे एक बीसी करनी है जिसको मुझे फोर लेन में मिला देना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो रोड है ये मेरा है टू लेन रोड जिसकी विड्थ है 7 मीटर और दोनों तरफ 1.5 मीटर इस तरफ 1.5 मीटर इस तरफ। ये है इसका अर्थन शोल्डर, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ये इसका शोल्डर है, मिट्टी फिलिंग है। और जो इसकी क्रस्ट की जो थिकनेस है वो है 530 mm, मतलब इसमें जो क्रस्ट डली हुई है रोड में ये 530 mm डली हुई है। अभी जो रोड की कंडीशन है वो है मेरी रोड की ये है टू लेन। इसको बनाना फोर लेन। ये फोर लेन बनने के बाद कैसा होगा आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, ये रोड जब फोर लेन बन जाएगा तो ये कुछ इस तरह होएगा, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा जो बीच वाला है ये मेरा वही पुराना टू लेन रोड है। इसकी विड्थ यहाँ पे 7 मीटर लिखी हुई है, ठीक है। और इसको मैंने चौड़ा कर ये मेरा बन गया पूरा फोर लेन। दोनों तरफ मैंने 4-4 मीटर की वाइडनिंग करी है, ठीक है। ये बीच में मेरा मीडियन आ गया 1 मीटर का, और इस तरफ 7 मीटर का और इस तरफ 7 मीटर का मेरा कैरिज वे बन गया। दोनों तरफ 7-7 मीटर का कैरिज वे बन गया है और दोनों तरफ 2.5 मीटर का शोल्डर बन गया है। तो बन गया ये फोर लेन। अब इसमें एक चीज देखिए, इसके ऊपर ये मेरी बीसी है, ये बीएम है, ये WMM है और ये GSB है। अब ये बीसी की दो लेरें क्यों है? जो मेरा पुराना रोड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है 530, ठीक है। मतलब उसकी ये बीसी डली हुई है। तो ड्राइंग में दिखाया गया है कि इस पुराने रोड के ऊपर मुझे बीसी करनी है जिसको मुझे नए वाली रोड की बीसी से मैच कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको टू लेन रोड को फोर लेन कैसे करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये मेरा टू लेन रोड है जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, ये सेम ऐसे ही है। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से 4 मीटर इस तरफ, यहाँ से 4 मीटर इस तरफ मैं इसकी एक्सावेशन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो क्रस्ट दे रखी है 530 की, तो ये मेरा BC, BM, WM, GSB ये चारों लेरें मिलाकर मेरी थिकनेस आ रही है 530। अब मुझे इसको फोर लेन करना है। इसको देखिए, जो सबसे पहला स्टेप मैं करूँगा, देखिए ये मेरा वही रोड हो गया 7 मीटर का, यहाँ पे 7 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे मैंने 4 मीटर इस तरफ, 4 मीटर इस तरफ मैं दोनों तरफ इसकी एक्सावेशन करूँगा, ठीक है। पहले मैं एक साइड लेकर चलूँगा, बाद में दूसरी साइड दूंगा, एक्सावेशन करूँगा। देखो यहाँ से मैंने 4 मीटर चौड़ा मार्किंग कर ली है चूने की, और मैंने JCB लगा दी है, एक्सावेशन शुरू हो गई है। 4 मीटर चौड़ाई में एक्सावेशन करूँगा और BC का टॉप से 500 mm डिप करूँगा। अब यहाँ पे मैंने 500 mm डिप क्यों लिया, मैंने 530 क्यों नहीं लिया, उसको समझिए। देखिए इस लेयर के ऊपर एक BC की लेयर आएगी, ऐसे BC की लेयर आने वाली है, ठीक है। और जिसकी थिकनेस कितनी है 30 mm, तो 500 mm मेरा यहाँ तक हो गया और यही लेयर मेरी आगे बढ़ जाएगी ऐसे, तो 30 mm मेरा ये होगा, तो कितना हो गया 530 mm। इसलिए इस बेड को मैंने 30 mm ऊपर करके बनाया है, ठीक है, कि ताजो मेरा इस BC को लेकर मेरा 530 की पूरी क्रस्ट आ जाए। अगर मैं इस बेड को यहाँ से शुरू करूँगा, एक्सेप्शन यहाँ से लूँगा, तो मेरा 530 तो यहाँ तक हो जाएगा, तो 30 और बढ़ जाएगा, यानी कि 560 हो जाएगा, मेरी मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी। तो मुझे कितना बता रखा है कि क्रस्ट जितनी पुरानी रोड में डालनी है सेम ऐसे डालनी है, ठीक है।
तो यहाँ से मैं 500 का यहाँ लूँगा और 30 एम की बीसी ऊपर आ जाएगी तो मेरा बन जाएगा ये 530। ठीक है, चौड़ाई पता लग गई 4 मीटर, डेप्थ पता लगी है 500। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रीडिंग लिख रखी है। आपको इसमें कोई टीबीएम कोई बैक साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको रोड पे ऑटो लेवल मशीन को लगाना है। ये जो मेरा रोड का सेंटर है, सेंटर में आपको स्टाफ को रखना है और स्टाफ की रीडिंग पढ़नी है। जो मेरी स्टाफ की पहली रीडिंग आई है वो आई है 1.460, यहाँ सेंटर की रीडिंग आई है। ठीक है, तो मेरे को देना है यहाँ पे एक्सावेशन का लेवल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर इस एज की पहले मैं रीडिंग देखूँगा कितनी आ रही है मेरी। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी चौड़ाई कितनी है, 3.5 मीटर। क्यों? क्योंकि रोड की चौड़ाई है मेरी 7 मीटर, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 3.5 इधर हो जाएगा, 3.5 इधर हो जाएगा, हाफ 3.5 मीटर हो गया ना। तो 3.5 का 2.5%, ठीक है, तो 3.5 मीटर का 2.5% आएगा 88 mm आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ सेंटर से लेकर एज तक जो मेरा स्लोप आया है वो मेरा 2.5% आया, मतलब यहाँ से ये जो मेरा एज डाउन है ये 88 mm डाउन है। ठीक है, तो इसमें डाउन में क्या होगा, रीडिंग प्लस होगी। जब आप स्टाफ की रीडिंग पढ़ोगे तो आपकी प्लस में जाएगी, जब आप आरएल देखोगे तो आपका माइनस में जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं प्लस कर दूंगा तो मेरी एज की रीडिंग आ गई 1.548। ठीक है, तो इस लेवल से मुझे 500 डाउन जाना। आप इंची टेप से भी नाप सकते हो 500 डाउन, अगर इंची टेप से नहीं जाना तो आप इस रीडिंग में 500 प्लस कर दो तो आपको रीडिंग मिल जाएगी 2.048। यहाँ पे आपको स्टाफ रखना है एक्सर्वेशन करते समय और रीडिंग को पढ़ देना है 2.048। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरी विड्थ है ये कितनी है मेरी, 4 मीटर। तो 4 मीटर का 2.5%, 4 मीटर का 2.5% कितना आएगा, 100 mm आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरी 4 मीटर की विड्थ है इसमें मेरा स्लोप आएगा 100 mm का। तो इस रीडिंग में मैं प्लस कर दूंगा 100 mm, तो मेरी आ गई 2.148। ठीक है, मतलब यहाँ से ये जो मेरा बेड है 4 इंची डाउन जाएगा स्लोप में 2.5% के स्लोप से। सेम आपको ऐसे ही इधर करना है। ठीक है, आपको इसकी डेप्थ का भी पता लग गया 500, इसकी विड्थ का भी पता लग गया 4 मीटर। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप रोड में एक्सहिबिशन करोगे वाइडी प्रोजेक्ट में, सबसे पहले आपको एक साइड ही एक्सहिबिशन करनी है, दोनों साइड एक्सहिबिशन नहीं करनी है क्योंकि कोई गाड़ी बीच में गिर सकती है। पहले एक साइड एक्सहिबिशन करो, उसका सबग्रेड बनाकर GSB डालकर उसको बेट मिक्स टॉप तक तैयार कर लो। जब वो बेट मिक्स आपका टॉप डल जाएगा, रोलर चल जाएगा, फिर आप दूसरी साइड एक्सहिबिशन करना। ठीक है, ये हो गया, इतना समझ लग गया, ये हो गया आपका पहला स्टेप। ठीक है, जब आपका ये सबग्रेड बन जाएगा, ये जो बना है ये आपका सबग्रेड तैयार हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, ये जो बन गया अभी आपका, ये सबग्रेड का बेड तैयार हो गया। ऐसे आप 10 मीटर पे दूरी पे आप ऐसे स्टाफ से रीडिंग लेते जाओ और बेड बनाते जाओ। जब आपका सबग्रेड बन जाएगा फिर आपको डालनी है इसमें GSB। वो कैसे डलेगी, यहां पर देखिए, इधर देखिए, सबसे पहले मैं GSB डालूंगा 225 mm की। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो मेरा पुराना कैरेज भी है यहाँ तक इसकी थिकनेस कितनी है, 530 की। तो GSB डालूंगा 225 की, रोलिंग करूंगा, पानी लगाऊंगा, कंपैक्शन करूंगा, इसकी डेंसिटी चेक करूंगा। उसके बाद फिर मैं WM की लेयर डालूंगा 225 की। उसके बाद फिर मेरे को BM करना पड़ेगा, BM करके मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, BM जो है वो मेरा पुराने रोड की BC से मैच हो जाएगा। जो मेरा यहाँ पे BM है ना, ये पुरानी रोड की BC से मैच होगा, ऐसे ही मेरा इस तरह मैच होगा। ठीक है, पहले मैं यहाँ BM तक फाइनल कर दूंगा, फिर मैं इधर वाली साइड इस BM तक फाइनल कर दूंगा, लास्ट में मेरे को BC करनी है। ठीक है, जब BM तक आपका फाइनल हो जाएगा ना, ये आपका BM मान लो इधर फाइनल कर दिया, अपने BM तक फाइनल कर दिया, इधर भी अपने BM तक फाइनल कर दिया, फिर आपको क्या करना, रोड के सेंटर से 500 mm इस तरफ, रोड के सेंटर से 500 mm इस तरफ आपको कर्व लगानी है। यहाँ क्या लगानी है आपको,
आपको लगानी है यहाँ पे कर्ब, और बीच में यहाँ पे आपको मिट्टी फिल कर देनी है इसमें, ठीक है। ये मेरी एक मीटर की कर्ब होगी, ठीक है, एक मीटर की कर्ब बन गई है, जो मेरी टोटल कर्ब की चौड़ाई होगी एक मीटर होगी, ये मेरा मीडियन बन गया एक मीटर का, ठीक है। अब यहाँ से जो मेरी इधर की जगह बची है वो कितनी बची है, 7 मीटर का कैरिज वे, यहाँ से जो मेरा इधर का कैरिज वे बचा है वो भी 7 मीटर का बचा है, ठीक है। जब आपकी कर्ब लग जाएगी, मिट्टी फिलिंग हो जाएगी, ठीक है, फिर आपको ये आपकी कर्ब यहाँ पे आएगी, इस ये पुराने रोड के ऊपर ऐसे टिकेगी, फिर आपको ये यहाँ पे बीसी करनी है इधर, फिर आपको यहाँ से बीसी करनी है इधर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ओल्ड बीसी, मतलब ये वो बीसी है जो अभी आपको रोड में दिख रही है, इसके ऊपर ये मैं पूरे में ये वाली ये मैं पूरे में बीसी करूँगा, ठीक है। ये तो आपकी यहाँ तक कर्ब आ गई, ठीक है, ये कर्ब है यहाँ पुरानी बीसी के ऊपर खड़ी है, तो आपको यहाँ से इस तरफ बीसी करनी है, यहाँ से इस तरफ बीसी करनी है, और बाद में आपको मिट्टी फिलिंग करके ये आपको शोल्डर बना देना दोनों तरफ डायमीटर का। शोल्डर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, शोल्डर नहीं बनाओगे तो बारिश में रेन कट से आपका ये रोड कट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ऐसे 2 लेन को 4 लेन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 530 की क्रस्ट है, अगर आप इसको भी जोड़ोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितनी आएगी 530, यहाँ से देखो ऊपर उठा भी हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेरा 30 mm मेरा ऊपर निकल आया, यहाँ बीसी की 2 लेयरें होगी ना, ये 30 mm मेरा ऊपर निकल आया, तो 500 मेरा ये हो गया, 30 मेरा ये हो गया, तो टोटल क्रस्ट की थिकनेस 530 आ गई, यहाँ भी 530 आ गई है, और सेम ऐसी मेरी इधर आएगी। लेकिन आपको इसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रही है ऐसे सेफ्टी लगानी है, पहले वन साइड को कंप्लीट करना है, जब आप बैटमिक्स लेवल तक पहुंच जाओगे फिर आपको दूसरी साइड एक्सहिबिशन करनी है, आपको दोनों साइड एक बार में एक्सहिबिशन नहीं करनी है, ना ही तो कोई एक्सीडेंट हो जाएगा और गाड़ी गिर जाएगी।